मुख्यमंत्री मुझे लगातार सलाह दे रहे हैं, मैं पिछले 72 घंटे से देख रहा हूँ, लेकिन मेरी भी उनको सलाह है, वो भी लक्ष्मण रेखा के भीतर रहें। और जहाँ तक मुकेश अग्निहोत्री है, प्रतिपक्ष का नेता है, ठोक बजा के है, और हिमाचल प्रदेश में वो करेगा जो जनता की आवाज है, जो हिमाचल प्रदेश की जनता आवाम की आवाज है वो उठाता रहेगा। ये अगर डराने की कोशिश कर रहे हैं तो धमकाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये रॉन्ग नंबर डायल कर रहे हैं। ये किसी और को नंबर डायल करें इस तरह से, ये सामने मुकेश अग्निहोत्री है, सर पे कफन बांध के बैठा है। आपने जो करना है, जो आपके दिमाग में है, सरकार जा रही है ना, विचलित हो रहे हैं, खौफ बना हुआ है। चाहे आप अपनी मंत्री लगा लें, पूरे सरकार लगा लें, कायनात लगा दें, चाहे जो करना है आपको आप करें, लेकिन मैं आपका कोई मतहत मुलाजिम नहीं हूँ, ना ही मैं कोई बंधुआ मजदूर हूँ जो कि आपकी बातों पे जो है खौफ खा जाऊंगा। मैं जो है हिमाचल प्रदेश के प्रतिपक्ष का नेता हूँ। और जहाँ तक आपके लोग कहते हैं कि मुकेश अग्निहोत्री को प्रतिपक्ष का नेता जो है रहमो करम से मिला है, मैं आपको बार बार कहता हूँ, मैं कांग्रेस विधायक दल का नेता हूँ, हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक जो है 1/10 ऑफ MLA जिस पार्टी के पास है वो प्रतिपक्ष का नेता होगा। लेकिन इसके बावजूद भी आपको, यू आर एट लिबर्टी, आपको खुली छूट है, आप सुबह ही नोटिफिकेशन विड्रॉ कर दें लीडर ऑफ अपोजिशन की, फिर भी देख लें कि हिमाचल प्रदेश की जनता मुकेश अग्निहोत्री को नेता प्रतिपक्ष मानती है कि नहीं। ये अधिसूचनाओं से नहीं है, ना ये किसी से डर के है। आप जो है अगर मेरे परिवार तक जाएंगे, टब्बर तक जाएंगे, खानदान तक जाएंगे, पुश्तों तक जाएंगे, मैंने कहा ना मैं उससे दो कदम आगे जाऊंगा। आपने जो करना है, जो आपके दिमाग में है, जो आपके जहन में है, जो आपके मंत्री कह रहे हैं कि मुकेश अग्निहोत्री ने अगर चुनाव लड़ना है, रोक के बताओ ना चुनाव लड़ने से, मुकेश अग्निहोत्री सामने लड़ेगा। और दूसरा कह रहा है कि मुकेश अग्निहोत्री MLA नहीं बनेगा। अरे हम कह रहे हैं आपकी सरकार नहीं बनेगी, हम कह रहे हैं कि हम 2/3 बहुमत से हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाएंगे, कह रहे हैं हम, और आपके सामने आएगा। मैं कह रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल की जाए, हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को 2003 के बाद की पेंशन दी जाए, हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों की जो श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के समय से पेंशन बंद हुई है, और पिछले जो है लगभग 19 साल से 20 साल से हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी पेंशन से महरूम हैं, हम कह रहे हैं उनको पेंशन दें आप, और उनके पेंशन बहाली का फैसला होना है और वो इसकी मांग भी कर रहे हैं। आप जो है लोक सेवा आयोग के सदस्यों को पेंशन दे रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि जब तक प्रदेश के कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिलती, किसी अन्य को पेंशन की बात ही नहीं होनी चाहिए। यहां तो बात चल रही है कि किस किस की पेंशन अगर कर्मचारियों की नहीं मिलती, बाकी सबकी बंद की जाए, ये बातें आ रही हैं। और हम हकदार हैं, हम ये मानते हैं कि हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी को सम्मान का अधिकार है, रिटायरमेंट के बाद जीवन यापन के लिए घर में भी सम्मान मिले, इसके लिए उसको पेंशन मिलनी चाहिए। हम उसके पक्षधर हैं, हम लंबे अरसे से कहते आ रहे हैं कि उनको पेंशन मिलनी चाहिए। आप पेंशन दे रहे हैं लोक सेवा आयोग के सदस्यों को, ये हमारी अब बुनियादी अंतर है। हम आपको कह रहे हैं कि 2 लाख के आसपास कर्मचारी हैं ये, या जो रिटायर हो चुके हैं, उनको पेंशन का अधिकार मिलना चाहिए। पेंशन में जो उनकी 65, 70, 75 जो भी उनकी मांग है उसके मुताबिक वो चाहते हैं कि उनको दिया जाए। उनके एरियर्स का सवाल है, वो एरियर्स मांग रहे हैं। तो कर्मचारियों के जो वेतन भत्ते हैं या पंजाब वेतन आयोग के सिफारिशों के मुताबिक जो उनके क्लेम्स हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। हम कर्मचारियों के वेतनों की बात, कर्मचारियों की पेंशन की बात, रिटायर्ड कर्मचारियों की इंक्रीमेंट्स की बात, हम इन पे बात कर रहे हैं। आपका एजेंडा डिफरेंट है, आपका एजेंडा हमारे से मेल नहीं खाता। हम कर्मचारियों की बात उठाते रहेंगे, कोई नहीं मुझे रोक सकता कर्मचारियों के वेतनों की बात करने से। मेरा बिल्कुल सीधा सीधा है कि आउटसोर्स कर्मचारी सारी जिंदगी जो है आउटसोर्स पे नहीं रह सकता, चाहे किसी सरकार ने लगाए हो, उनके लिए नीति लानी जरूरी है। मेरा ये मानना है कि जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनेगी, बिचौलियों को बीच से हटाया जाएगा। जो बिचौलिया आज सरकार पैसा देती है आउटसोर्स कर्मचारी को, बिचौलिया बीच में से 2500 से 3000 रुपए अपने लिए रख ले रहा है। हम कह रहे हैं कि सीधा सरकार के कोष से कर्मचारी को वेतन चले जाए तो उसकी तनख्वाह में 3-4 हजार रुपए का इजाफा हो जाएगा, जो आज बिचौलिया खा रहा है। सेकेंडली, आप एक लंबे अरसे तक सभी को सारे जीवन आउटसोर्स में नहीं रख सकते, इसलिए एक म्याद तय हो जानी चाहिए कि 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, 5 साल के बाद आप कर्मचारी को जो आउटसोर्स पे लिए हैं उनको जो है सरकारी नौकरी में लें। हाँ, भविष्य में जो आउटसोर्स भर्ती हो वो कायदे से हो, उसमें रोस्टर भी लगे और उसमें जो है भर्ती की प्रणाली भी सही हो, तो इसलिए आउटसोर्स पे जो काम होना है वो होना चाहिए।
अब वैसे भी मैं आपको ये कह देना चाहता हूँ कि जयराम सरकार अब अधिसूचनाएं नोटिफिकेशन इसी पे रह सकती है, अब देने का समय नहीं है, अब जाने का समय है। बेरोजगारों के लिए नीति तो बनानी पड़ेगी। आपने सेना में कह दिया कि आप 4 साल से ज्यादा का जो है रिक्रूटमेंट करेंगे व्यक्ति को, 17 साल में भर्ती होगा, 21 साल में भूतपूर्व होकर घर आ जाएगा। हमारा ये बिल्कुल नारा है स्टेट में कि हम जो है स्थायी नौकरी देंगे और पेंशनेबल नौकरी देंगे और मेरिट पे नौकरी देंगे। हमारा 3 बातें बिल्कुल स्पष्ट है, मेरिट पे नौकरी, स्थायी नौकरी, पेंशन वाली नौकरी, और इनकी नौकरी है 4 साल वाली नौकरी। ये कह रहे हैं कि जी अब जो अग्निवीर आएंगे उनको जो है हम सरकार में तरजीह देंगे, वो तो कब आएंगे, कब, अभी तो भर्ती भी शुरू नहीं, कब आएंगे कब जाएंगे। लेकिन अगर ये रहेंगे तो ये हिमाचल प्रदेश में अगर अभी पंप ऑपरेटर है तो ये पंप वीर बना देंगे, ये अभी टीचर्स को जो है शिक्षा वीर बना देंगे, ये पीडब्ल्यूडी में बेलदार को बेल वीर बना देंगे। ये तो 4 साल वाले लोग हैं, इनको जाने में ही बेहतरी है। और नौकरी की सेंसिटिविटी बनी रहनी चाहिए। ये जो 58 साल की नौकरी बड़ी सोच समझ के लगाई है, अभी पेरेंट्स रिटायर नहीं हुए, बच्चे रिटायर होके आ जाएंगे, अभी शादी हुई नहीं उससे पहले बच्चा रिटायर होके आ जाएगा, ये कोई नीति है? और जिसकी मुख्यमंत्री वकालत कर रहे हैं और फिर जो है मुकेश अग्निहोत्री को लगातार दो तीन मंचों से लगातार बोल चुके हैं मैं लिहाज कर रहा था, लेकिन आपने दिल में कोई बात नहीं रखनी, जो करना चाहते हैं खुले दिल से करें, और जो मुझे बोलना होगा मैं जनता की आवाज के मुताबिक बोलूंगा, और जो मुझे साबित करना होगा फिर मैं वो साबित करूंगा जो मुझे साबित करना है।